क्या खूबसूरत नज़ारा है, कितना शानदार सीन है। इससे पहले कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, हम बता ही देते हैं कि यह न तो किसी विदेश की तस्वीर है, न किसी महानगर की है और न ही किसी समुद्री बीच का। गंगा के तल पर तैर रहा यह बेहद खूबसूरत फ्लोटिंग हाउस बक्सर में बना है, जो अभी आरा में है और पटना जाने वाला है। इस शानदार निर्माण को अंजाम दिया है आरा के रहने वाले इंजीनियर प्रशांत ने। गंगा नदी के लहरों पर एक वर्ष पूर्व बना यह निर्माण बहुपयोगी हो सकता है। दरअसल पिछले वर्ष गंगा नदी में एक अनूठा प्रयोग हुआ। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गंगा नदी पर तैरने वाला घर बनाया गया और कहा गया कि सफल हुआ तो बाढ़ के दिनों में आवास की एक बड़ी चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। करीब 900 वर्ग फुट में बने इस तैरते घर की लागत लगभग 6 लाख रुपये बताई गई। प्रशांत ने बताया कि यह फ्लोटिंग हाउस अब पटना के दियारा क्षेत्र में ले जाने की तैयारी है। वहाँ अभी बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, वहाँ इसका उपयोग व्यापक स्तर पर दिखाया जाएगा। भारत के पहले क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्लोटिंग हाउस और बिहार का पहला फ्लोटिंग हाउस जो है वो अब 1 साल की टेस्टिंग के बाद रेडी है और पानी पर अभी भी बाढ़ के समय को झेल रहा है। और बिहार में होती हुई त्रासदी को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में एक रेजिलिएंट लाइवलीहुड जनरेट कर सकता है बिहार में, और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में एक रेजिलिएंट लाइफस्टाइल जनरेट कर सकता है, लोगों के लिए एक रेजिलिएंट शेल्टर का काम कर सकता है। अब हमारी नेक्स्ट प्रयास होगी कि हम इस घर को आरा से, बक्सर से आरा आ चुका था और आरा से अब इसको पटना लेकर के आए और बिहार सरकार से डिमांड करें और आग्रह करें कि अब हमें मदद करें कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और बिहार के अंदर एक ऐसा जलवायु परिवर्तन को लेकर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत कुमार। ऐसे में कहा जा सकता है कि गंगा के तल पर तैर रहा यह बेहद खूबसूरत फ्लोटिंग हाउस निश्चित रूप से बहुपयोगी साबित हो सकता है। बात बाढ़ की हो, तपती गर्मी की हो या फिर पर्यटन की, इसका उपयोग किया जा सकता है। ईटी भारत के लिए बक्सर से प्रशांत राय।